तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है एग्जिस्ट इन द स्पेस, हमसे उसने पूछा फाइंड द चेंज इन मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल एज वन मूव थ्रू 50 सेंटीमीटर अलोंग द फील्ड। सो हमारे पास सबसे पहले उसने मैग्नेटिक फील्ड दी है, हमारे पास बी दिया हुआ है 0.20 × 10⁻³ टेस्ला, अगर मैं इस तरफ सॉल्व किया तो हमारे पास आएगा 2 × 10⁻⁴ टेस्ला, ये हमारे पास बी की वैल्यू है। उसने हमें डिस्टेंस भी दिया हुआ है आर विच इज़ 50 सेंटीमीटर, मतलब ये हो जाए हमारे पास 50 × 10⁻², तो आर की जो वैल्यू है वो है 5 × 10⁻¹ मीटर। सो उसने हमसे चेंज इन मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल पूछा, मतलब उसने हमसे डेल्टा वी पूछा है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है उस के लिए वो होता है बी इज इक्वल टू माइनस डी वी ओवर डी आर, तो हमारे पास ये डी वी ओवर डी आर है, हमें डी वी फाइंड करना है, तो डी वी की जो वैल्यू होगी वो है माइनस बी इंटू डी आर इस इंटीग्रेशन फ्रॉम डिस्टेंस आर वन टू आर टू। सो एक जस्ट अ मिनट, हमारे पास क्योंकि ये स्मॉल चेंज नहीं है और हमें पता है फॉर अ बिग चेंज जो हमारे पास डी वी है वो डेल्टा वी में कन्वर्ट हो जाता है, ऑल्सो हमारे पास जो बी और डी आर की वैल्यूज दी हुई है वो एक फिक्स्ड वैल्यूज है, तो इसी इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते। सो डेल्टा वी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है माइनस बी इंटू आर, सो माइनस बी की वैल्यू है 2 × 10⁻⁴ और डिस्टेंस है हमारे पास 5 × 10⁻¹। सो जो डेल्टा वी की जो वैल्यू हो रही है हमारे पास वो है माइनस 10⁻⁴ टेस्ला मीटर। ऑल्सो हमें पता है जो अलोंग द फील्ड हमारे जो पोटेंशियल है, मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल है, वो डिक्रीज करती है, सो ये नेगेटिव साइन वही शो करता है, तो हम इस बात को लिख देते हैं अलोंग द फील्ड पोटेंशियल मैग्नेटिक स्केलर पोटेंशियल डिक्रीजेस। सो यही हमारे पास फाइनल आंसर है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।